अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास 8 सब्जेक्ट फिजिक्स। आई एम योर टीचर फारा सिद्दीकी। टुडे वी डिस्कस द लेक्चर नंबर 9 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 किनेमैटिक्स। ओपन पेज नंबर 49। टुडे आवर टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ मोशन? टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन कैन बी रिलेटेड एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशंस कॉल्ड इक्वेशंस ऑफ मोशंस। वो टर्म्स जो कि मोशन से रिलेट कर रही हैं, जब हम उनको कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम इक्वेशंस, उनको हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। दीज इक्वेशंस कैन बी यूटिलाइज फॉर एनी मोशन दैट कैन बी डिस्क्राइब एज बींग आइदर अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मोशन, एन एक्सेलरेशन ऑफ 0 m/s², और अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन मोशन दैट इज द इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज एक्सेलरेशन आर इक्वल। ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये किसी भी टाइप ऑफ मोशन के लिए हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पर आपके पास एक कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि उस कंडीशन में एक्सेलरेशन या तो 0 m/s हो, मतलब कि बॉडी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, या आपके पास जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, मींस आपके पास एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल हो। ग्राफिक दे कैन नेवर बी यूज्ड ओवर एनी टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। ये किसी भी ऐसे टाइम पीरियड के लिए या किसी ऐसी मोशन के लिए हम यूज नहीं कर सकते जहां पर एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही हो, मतलब कि वेरिएबल वेलोसिटी हो। ग्राफिकल मेथड विल बी यूज टू प्रूव द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस आपके कोर्स में हम ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं फॉर फाइंडिंग द पैरामीटर्स विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। वी यूज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन टू डिराइव अ सेट ऑफ वैल्यूएबल इक्वेशंस दैट रिलेट एक्स ए वी एंड टी when a is constant, allowing us to determine any one of these variables if we know the others। आपके पास एवरेज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन के फार्मूले के थ्रू हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। आपके पास एक्स है, ए है, वी है, टी है। एक्स आपके पास डिस्टेंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ए एक्सेलरेशन के लिए, वी वेलोसिटी के लिए, टी टाइम के लिए, ठीक है। अगर आपके पास एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो वो फिर हम ईजीली कोई भी वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ अदर वेरिएबल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन देन सॉल्व मैनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स। इन दिस डिस्कशन वी चूज द इनिशियल टाइम टू बी ज़ीरो। यहाँ पर हमने इनिशियल टाइम जो है वो ज़ीरो लिया है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो दिस इज़ योर इनिशियल टाइम, तो वो इनिशियल टाइम आपके पास ज़ीरो है। एंड फाइनल टाइम टी लिया है, फाइनल टाइम हमने यहाँ पर टी लिया है इसको, ठीक है। अब आपके पास जब हम चेंज इन टाइम फाइंड आउट करते हैं, तो चेंज इन टाइम देखिए, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम गिव्स यू टी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू टी। तो आपके पास तो टाइम क्या हो गया, या चेंज इन टाइम किसको डिनोट कर रहा है, टाइम को डिनोट कर रहा है। आल्सो वी चूज इनिशियल पोजीशन टू बी ज़ीरो एस आई। आपके पास इनिशियल पोजीशन जो है बॉडी की वो ज़ीरो है, एंड फाइनल पोजीशन जो है वो आपके पास एस है। तो जब आप फाइनल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, तो एस एफ माइनस एस आई इज इक्वल टू एस माइनस ज़ीरो गिव्स यू एस। तो आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपके पास एस के बराबर है। अब ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ में आपके पास देखिए, आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पे। तो टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, तो हम टाइम को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं। वेलोसिटी डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो हम उसको वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, वी मीटर पर सेकेंड। अब द ऑब्जेक्ट हैज़ इनिशियल वेलोसिटी वी आई। आपके पास ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वी आई है एट पॉइंट ए। इस पॉइंट पर आपके पास ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी ए है, विच चेंजेस यूनिफॉर्मली टू पॉइंट बी। फिर उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और ये आपके पास बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बन गई। इन द प्लॉट ओ ए इज इक्वल टू डी सी रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी एंड डी बी रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी। हेयर टाइम टी इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू टी। यहाँ तक आपके पास जर्नी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, विच कर्व्स द एक्स एक्सिस एट पॉइंट डी। उसके बाद हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है फ्रॉम ए टू सी, जो कि आपके पास बी डी को कट कर रही है एट पॉइंट सी पर। तो आपके पास देखिए, बी से लेकर डी तक आपके पास फाइनल वेलोसिटी है। ओ ए इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन्स हैं, तो ये इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रही हैं। ओ डी इज पैरेलल टू ए सी, तो ओ डी टाइम है, तो आपके पास ए सी भी टाइम को डिनोट कर रहा है। फ्रॉम ए टू बी बॉडी ने अपनी वेलोसिटी चेंज की थी, तो यहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, तो सो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
अब आपके पास ये जो बी सी है ये अननोन है. अब ये बी सी अननोन कैसे है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ. द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, क्योंकि स्लोप आपके पास ये है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू, स्लोप आपके पास बराबर होता है राइज बाय रन, तो आपके पास राइज ये है रन ये है, तो बी सी डिवाइडेड बाय ए सी या सी बी डिवाइडेड बाय ए सी. द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या शो करता है, एक्सेलरेशन, तो हमने स्लोप की जगह लिख दिया एक्सेलरेशन. सी बी अननोन है आपके पास, तो हमने सी बी सीधा रहने दिया. ए सी आपको डिनोट कर रहा है टी, तो आपने टी लिख दिया, यहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी बी इज इक्वल टू ए टी, तो आपके पास ए बी सी बी की वैल्यू क्या आ गई, ए टी. नाउ कम्स टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. First equation of motion gives the relation of final velocity vf in terms of initial velocity vi and acceleration a in time t. आपके पास first equation of motion क्या relation show कर रही है, वो आपके पास vf का relation show करती है किसके साथ, initial velocity, acceleration and time t. So this is your first equation of motion जो कि हमने prove करनी है by graphical method. From the graph it is clear that ग्राफ से आपको पता चल गया लाइन डी बी क्या रिप्रेजेंट करती है, फाइनल वेलोसिटी, सो डी बी इज इक्वल टू वी एफ. लाइन डी सी रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी, तो डी सी इज इक्वल टू वी आई. लाइन सेगमेंट सी बी इन टर्म्स ऑफ स्लोप गिव्स यू ए टी. तो आपके पास यहाँ जो ये इस ग्राफ को भी अगर आप देखें तो डी बी क्या चीज़ है, डी बी आपके पास किन दो लाइन से मिलकर बनी है, डी सी प्लस सी बी. तो यहाँ मैंने लिखा डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी. पुटिंग दीज वैल्यूज इन ग्राफ इक्वेशन वी गेट वी एफ. डी बी की जगह मैंने वी एफ लिखा, डी सी की जगह वी आई लिखा और सी बी की जगह ए टी. तो आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो प्रूफ हो गई है. नाउ कम्स टू द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स डिस्प्लेसमेंट एस विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड एक्सेलरेशन ए इन टाइम टी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करेंगे और डिस्प्लेसमेंट का आपके पास रिलेशन है इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम के साथ. तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. इसको हम प्रूफ करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड. As the area under curve velocity time curve represents the displacement s as shown in figure. अब मैंने हम इससे पहले जो ग्राफ करवाए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जितना एरिया अंदर कवर हो जाता है ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है. तो ये आपके पास डार्क ग्रीन कलर ट्राइंगल को शो कर रहा है और ये लाइट ग्रीन कलर आपके पास रेक्टेंगल कर्व. तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी फाइंड करना सीखा था और एरिया ऑफ ट्राइंगल भी. तो डिस्प्लेसमेंट s आपके पास किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल रेक्टेंगल ओ ए सी डी और आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी. एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम फाइंड करते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो ओ ए मल्टीप्लाई ए सी. और आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट होता है हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी मल्टीप्लाई सी बी. तो ये लिखा है ओ ए इंटू ए सी हाफ इंटू ए सी इंटू सी बी. लाइन सेगमेंट ए सी रिप्रेजेंट टाइम टी, लाइन ओ ए रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी एंड लाइन सेगमेंट सी बी रिप्रेजेंट स्लोप विच इज ए टी. पुटिंग वैल्यूज एस इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, वन बाई टू इंटू टी मल्टीप्लाई ए टी, तो टी टी से मल्टीप्लाई हुआ टी स्क्वेयर बन गया. तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हुई वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. सो दिस इज ऑल अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.